शोभा चौधरी के खिलाफ बीजेपी की नारेबाजी और बीजेपी कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि आप इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। शोभा चौधरी ने जो ईमेल लिखा है, पिछले हफ्ते भर से मुझ पर कई चीजों को छुपाने और महिलावादी सोच से डिगने के आरोप लगते रहे। हालांकि मैं मानती हूं कि चीजों को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती हूं कि मैंने कुछ भी गलत मंशा से किया। सबसे पहले जो कदम उठाए गए उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि दबाव में उठाए गए कदम है। मैंने अपनी महिलावादी सोच को तरजीह देते हुए ही अपनी सहयोगी के लिए उचित कदम उठाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे। मैं खुद इसका संज्ञान लेती हूं और तहलका के मैनेजिंग एडिटर पद से इस्तीफा देती हूं। लेकिन शोभा चौधरी को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्या वो जिम्मेदारी से भाग रही है? बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है। शोभा पर लगे थे केस को दबाने के आरोप। लड़की ने खुद ये आरोप लगाया था। सबसे पहले शोभा को जानकारी दी थी और शोभा ने उससे कहा था कि तरुण तेजपाल माफी मांग चुके हैं, इस मामले को रफा दफा कर दो। पीड़िता के ईमेल के बाद भी शोभा पर तेजपाल को बचाने के आरोप लगते रहे थे और ये आरोप पीड़िता ने ही लगाए थे। पीड़िता ने गोवा पुलिस को बताया था कि शोभा को सब कुछ मालूम था। पीड़ित लड़की ने भी लगाया था शोभा पर आरोप। शोभा का सारा ध्यान तेजपाल को बचाने पर था, ये पीड़िता का आरोप था। पीड़िता का इस्तीफे के बाद शोभा ने उसे एक ईमेल किया था, वो ईमेल आज तक के पास भी है। पीड़िता ने शोभा के ईमेल को गोवा पुलिस को भी सौंपा था, जिसमें कई तरह के आरोप लगाए थे। गोवा महिला आयोग के निशाने पर भी शोभा आ गई थी और शोभा के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी कही थी गोवा महिला आयोग ने। 9 घंटे तक गोवा पुलिस पूछताछ भी शोभा से कर चुकी है, लेकिन अब शोभा ने दे दिया है इस्तीफा।